श्राद्ध पक्ष में वृषकपि अवतार का महत्व क्या, वृषकपि अवतार की महत्वता क्या। देव पितर शिव महापुराण में अगर 16 दिन श्राद्ध के होते हैं और 16 दिन श्राद्ध में से कोई भी एक दिन श्राद्ध का जो तुम्हारी मर्जी पड़ जाए, जिस दिन तुम घर में फ्री हो, जिस दिन तुम्हारी मर्जी पड़ जाए, जिस दिन तुम्हारा मन कर जाए, उस दिन वृषकपि नाम लेकर एक रोटी में थोड़ी सी शक्कर या गुड़, थोड़ा सा चावल, थोड़ा सा अगर चावल नहीं हो तो खीर बन जाए तो ज्यादा अच्छी है, रोटी के अंदर रखकर वृषकपि या वृषकपि भगवान शंकर का एक अवतार है नारायण के साथ में। भगवान शिव और भगवान शंकर का और नारायण का एक अवतार मिलकर हुआ था। भगवान शिव और नारायण का मिलन से तीन अवतार हुए। एक हरिहर अवतार भी भगवान शंकर और नारायण के मिलन से, एक वृषकपि अवतार भी नारायण और शिव के मिलन से। तो जो वृषकपि अवतार है भगवान शंकर और एक भगवान नारायण और भगवान शंकर के मिलन से शरंभेश्वर अवतार भगवान शंकर का और नारायण का मिलकर हुआ। शरंभेश्वर, ये तीन अवतार नारायण और शिव जी मिलकर बने हैं। तीन अवतार भगवान शंकर ने नारायण के साथ मिलकर बने, शरीर एक बनाया, दोनों मिल गए, एक शरीर बनाकर जगत का कल्याण कर। रोटी हो तो रोटी, पूड़ी हो तो पूड़ी, पराठा हो तो पराठा, जो तुम बनाए हो उसमें थोड़ा सा मात्रा दूध चावल की या खीर की, थोड़ी सी मात्रा गुड़ की, और वृषकपि या वृषकपि अवतार का नाम लेकर अपने दरवाजे के बाहर खड़े होकर जो गौ माता को श्राद्ध पक्ष में किसी भी दिन ये भोजन वृषकपि का नाम लेकर दे देते हैं, उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं आती, धन की कमी नहीं होती। श्राद्ध पक्ष का ये स्वरूप है वृषकपि अवतार। एक बार सब बोलेंगे, बोले वृषकपि भगवान की। अब नाम आप लोग ले जिससे आप लोगों को याद हो जाए, बोलिए वृषकपि भगवान की। आप वृषकपि बोल सकते हो, वृषकपि भी बोल सकते हो, वृषकपि भी बोल सकते हो और वृषकपि भी बोल सकते हो, दोनों नाम में से कुछ भी। हाँ, अगर आप नेट पर सर्च करोगे या आजकल लोग क्या है, कथा सुनने के बाद नेट पर जल्दी सर्च करते हैं, तो गूगल आदि पर सर्च करोगे तो वृषकपि भी आ सकता है, वृषकपि भी आ सकता है। पुराण में अगर ढूंढोगे शिव पुराण के अंतर्गत या स्कंद पुराण में या गर्ग संहिता में या कूर्म पुराण में, बरहा पुराण में अगर आप ढूंढेंगे तो उसमें वृषकपि और वृषकपि कोष्टक में बना हुआ, पहले आएगा वृषकपि फिर कोष्टक में आएगा वृषकपि। हनुमान जी पूर्व जन्म में कौन थे, बोलो रे कोटा वाले। हनुमान जी का जो अवतार हुआ राम अवतार के समय पर त्रेता में, जो मेरे राम जी का जो सुंदर अवतार हुआ, तो राम जी के साथ में जो हनुमान जी प्रकट हुए, ये हनुमान जी को पूर्व जन्म में पूर्व समय में जो हनुमान जी को ये बानर का रूप मिला है, राम अवतार के समय पर हनुमान जी का जो स्वरूप प्राप्त हुआ, ये हनुमान जी पूर्व समय में किस रूप के अंतर्गत हनुमान जी को ये रूप दिया, ये किसका अवतार है, ये किसका स्वरूप है, ये किसका अंश अवतार है। कई लोग कह देते हैं ये शंकर भगवान के अंश स्वरूप हैं, शंकर सुमन केसरी नंदन। परशु महापुराण जिसने दिल से सुनी हो, जिसने पढ़ी हो, जिसने स्मरण किया हो, तो हनुमान जी का जो पूर्व का जो भाव है वो वृषकपि अवतार, जो भगवान शंकर और भगवान विष्णु ने एक अवतार लिया था जिसका नाम था वृषकपि अवतार।
कौन सा अवतार है? विष कपि, जिसको लोग वृष कपि अवतार भी कहते हैं। कोई उसको विष कपि कहता है, कोई उसको वृष कपि अवतार कहता है। जब भगवान शिव जी ने और भगवान नारायण ने दोनों ने मिलकर इस सुंदर रूप को धारण करा था, कपि का मुख धारण करा था और एक असुर का संहार किया, जिसको वृष कपि भी कहा गया, जिसको विष कपि भी कहा गया, उस वृष कपि अवतार का रूप श्री हनुमंत लाल जी को त्रेता में प्रदान किया। श्री हनुमंत उसका चरित्र भी आगे आएगा कथा में, अपन उसको सुनेंगे कि